अब ये टाइम आ गया है कि आपको ज्यादा पढ़ाई करने से, ज्यादा प्रैक्टिस करने से, खुद को रगड़ने घिसने से ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं होगा तो जरूर कोई ना कोई वीडियो मिलेगा। लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी, लास्ट 5 डेज स्ट्रेटेजी, 3 डेज स्ट्रेटेजी, 1 डे स्ट्रेटेजी, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, ये सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस आपको गाइड करने की जगह इस गाइड ज्यादा करेंगे, कंफ्यूज ज्यादा करेंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, तो इस वीडियो के थ्रू आपके साथ में बहुत ही अर्जेंटली एक इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। तो जो भी जेई एडवांस देने वाले हैं आने वाले दिनों में, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत नेसेसरी है। तो अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये बात आपसे सब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा आपको एग्जाम तक भूलना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है। तो पहला चीज मैं एकदम दिल से बता रहा हूँ कि स्टॉप स्क्रोलिंग, ठीक है। मेरे टाइम में मैं लास्ट के जैसे 10-15 दिन बचे हैं मोबाइल को स्क्रॉल किए जा रहा हूँ यूट्यूब पे। अगर आप कोई बिना पर्पस के यूट्यूब खोलेंगे ना इन दिनों में, और आप अगर जेई एडवांस के बस वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो आपको जरूर कोई ना कोई वीडियो मिलेगा कि लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी, लास्ट 5 डेज स्ट्रेटेजी, 3 डेज स्ट्रेटेजी, 1 डे स्ट्रेटेजी, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, ये सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस आपको गाइड करने की जगह मिसगाइड ज्यादा करेंगे, कंफ्यूज ज्यादा करेंगे। तो आपको एकदम सिलेक्टिव होना है, ठीक है। अगर आप कोई PYQ का कोई डाउट हो गया, ठीक है, कि ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन देख के भी पता नहीं चल रहा है, आपको देखना है कि भाई कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, कोई अच्छे वाले आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर करना है, तभी आपको यूट्यूब खोलना है, ठीक है। वरना आप ऐसे ही अगर मौज मस्ती के लिए अगर यूट्यूब खोल लिया आपने और आपको मोटिवेशन लेने का मन हुआ, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उन्हें देख के करेंगे कि भाई यहाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी चीजें आपको कह देंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये वक्त है आपके लिए अपना जो प्लान स्ट्रेटेजी बनाया है उसको फॉलो करना है आपको, ना कि जो दूसरे बोलेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे तो आप लास्ट में बिल्कुल कंफ्यूज होने वाले हैं, जैसा कि मैं हुआ था। तो अब जो दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने लास्ट डेज में जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट किया, मान लो लास्ट 1 मंथ में एडवांस के लिए आप उसको फोड़ने चले हैं, ठीक है, सोच रहे हैं कि IIT बॉम्बे CSE लूंगा मैं, या फिर ऐसे सोच रहे हैं कि भाई अंडर 1000 तो मैं रैंक लेके आऊंगा, जबकि आपके मॉक टेस्ट में PYQ अगर आप दे रहे हैं, आपके 10,000 रैंक आ रही है, 20,000 तक जा रही है, तो आपको ना ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप होप ही छोड़ दें कि भाई मेरा हुसा हुआ, ऐसा मत सोचिए कि मुझे यही रैंक मिले, यही ब्रांच मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है। अभी से आपको रैंक के बारे में या फिर आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए उसके बारे में आपको एम्बिशियस नहीं होना है, आपको जस्ट अपना प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट यही है कि अगर आप जेन्युइनली इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं जी एडवांस के लिए, ठीक है, और जेई मेंस का रिजल्ट भी डिसेंट सा आया है, तो आपको अब ये फिक्र नहीं करना है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, मैं ये सोच में पड़ गया था कि अगर पेपर इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग, भाई ये सारे चीज के लिए आपको सोचने का ही टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है और जिस प्लान पे आप हो वहीं पे टिके रहना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। और एक चीज ये है, फाइनल डेज में बस आपको PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको एनालाइज करना है, बस यही आपके लिए इनफ है, और आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। और अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, अब उसके बाद भी आप पढ़ेंगे तो पूरा लास्ट के 10 डेज में पूरा एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को। 6 घंटे का मिनिमम कैपेसिटी बना के रखिए और ज्यादा मत पढ़िए। और एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे टफ क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं जो कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे, क्योंकि इन लास्ट दिनों में आपका कॉन्फिडेंस ही है जो मायने रखता है। आपको काम रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है लास्ट के दिनों में। बट जो ये टफ क्वेश्चंस है वो आपकी कामनेस कॉन्फिडेंस दोनों को तबाह कर देंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनका सॉल्यूशंस देख लीजिए, ठीक, बट ऐसा नहीं कि आप उस पे ही सारा टाइम बिता दे रहे हैं लास्ट के दिनों में, ऐसे ईगो पे नहीं लेना है चीजों को। और एक इंपॉर्टेंट टिप जो आपको एग्जाम हॉल में काम आ सकती है कि आपको अगर ब्रेक डाउन हो जाता है पूरा कि भाई माइंड काम ही नहीं कर रहा है, नर्वसनेस आ रही है पूरी और आपका ब्रेन फॉग हो गया कि भाई क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको उस समय 5-2 मिनट आपको आराम से है ना ब्रीद इन लेना है, ब्रीद आउट करना है, ठीक है, तो आप अपने आप देखेंगे कि कामनेस आ रही है, खुद को एक जगह पे स्टेबल कर लीजिए अपने माइंड को, ठीक है, फिर आगे बढ़िए। वरना आपका 1 घंटा खराब हो सकता है उस चक्कर में कि माइंड काम नहीं कर रहा है और आप एक सवाल पे 10-15 मिनट लगा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उससे अच्छा है 5 मिनट लगा के एकदम रिलैक्स हो जाए, फिर पेपर अच्छे से लिखिए। और एक चीज़ कहूँगा कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट लेना है,
ऐसा नहीं आप पूरे एग्जॉस्टेड स्टेट में हैं, एग्जाम हॉल में एकदम नींद में जा रहे हैं, ऐसे ड्राउजीनेस में आप पेपर अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। लास्ट के दिन को आप ऐसे ही खाली छोड़िए, रिलैक्स करिए, बाहर जाके घूमिए। रूम में बैठे बैठे पढ़ के ना आप, मैं पक्का बता रहा हूँ, आपका माइंड है ना पूरा फॉग हो जाने वाला है, पूरा भर जाने वाला है, बिल्कुल काम नहीं करेगा अगर आप ऐसा करते हैं कि रूम में बैठे रहे। ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, फिर से वही सवाल पे अटके हुए, ईगो पे ले लिया, उसको करते रहे, ये सारा चीज़ आपको नहीं करना है, एकदम नॉर्मली रहना है लास्ट के दिनों में। और जैसा कि मैंने कहा कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर जो है, पिछले 3 साल के पेपर्स को आपको है ना बचा के रखना है। जैसे लास्ट के 10 दिन बचे हैं तो उसमें आप 3 दिन कोई भी डिसाइड करके उनको 6-6 घंटे में दे, ठीक है, कि 9 से 12 एक पेपर दिया, फिर 2 से 5 आपने एक पेपर दिया, वैसे करके आप एकदम एग्जाम वाले माहौल में एकदम अकेले बैठ के रिलैक्स साइलेंट हो गए, एकदम पेपर लिखिए। ठीक है, और जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बस दिखने में टफ लगेंगे, आपको एक ही चीज़ करना, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे, ठीक है, या जो भी हो, कोई भी सवाल हो, उसको आपको अच्छे से पहले पढ़ना है। यहीं पर आपका 10% काम तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन आपको अगर आपको समझ आ गया ठीक से और अप्रोच पता चल गया क्या करना है, देन आपको बस उसको सही से सॉल्व करना बचेगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टफ सवाल लग रहा है उसको पढ़ेंगे तो भाई थोड़ा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई इसको मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ। और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि लास्ट के दिनों में आपको ये नहीं सोचना है मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं क्या करूँगा एडवांस दे के, मैं तो क्वालिफाई नहीं होने वाला, ये सब नहीं सोचना है। भले ही आपका पेपर लगते वक्त हाथ कापी ये हो जाए, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है, ब्रेन फॉग हो रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, ज़्यादा नहीं डरना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। मेरे टाइम में मेरे साथ एक दोस्त भी था मेरा, जो कि हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ यूँ कि उनके मॉक टेस्ट में ना बहुत अच्छे नंबर आया करते थे, जैसे मान लो 300 नंबर का पेपर हो रहा है तो आ रहे हैं 230, 240, 250, 270 तक जा रहा है, ठीक है, ऐसे स्कोर आ रहे थे। और मेरा मॉक टेस्ट में, मैं एडवांस के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, 100, 120, 130 ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। अब बात जब आई यही एडवांस के पेपर की, ठीक है, और बीच में लॉकडाउन भी आ गया था हमारे, और लॉकडाउन की वजह से हुआ ही हूँ कि उसका घर पे मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, लेकिन मैं भी फिर भी टिका हुआ हूँ, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा हूँ मेरी, ठीक है, और अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ, ऑनलाइन मटेरियल देख रहा हूँ मैं, ऐसे में करते गया, लेकिन उसका ना हौसला डाउन हो गया पूरा कोविड की वजह से, और हुआ यूँ कि वो पूरा डिप्रेशन में चला गया वो, बट मैं फिर भी टिका रहा था कैसे भी करके। और फिर एडवांस का वक्त आया तो हुआ यूँ कि उसका हाथ कांप रहा था पेपर में, वो पूरा डर गया था, नर्वस था, तो क्वालिफाई नहीं कर पाया एडवांस, बट जबकि मेरी बात है मैंने काम बनाए रखा अपना, चाहे पहले पेपर में भले ही मैं नर्वस हुआ था बट दूसरे पेपर में मैंने कवर अप कर लिया। जैसे मैथ्स बहुत टफ था तो मैंने मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम दिया सेकेंड पेपर में, ऐसे करके मैं क्वालिफाई हो गया, बट वो नहीं हो पाया। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दूसरे लोग अगर आगे हैं आपसे तो ये नहीं सोचना है कि मैं पीछे रह गया, ठीक है। आपको बाहर से देख के डीमोटिवेट नहीं होना है कि भाई इसका इतना अच्छा स्कोर है मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, नहीं, खुद पे कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखो। दोस्तों यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और भले ही आपको ये वीडियो देख के लगे कि यार भैया ने यही चीज़ बता दिया जो पहले बता दें, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने बताए सबसे इम्पोर्टेंट है और इन्हीं को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब ये टाइम आ गया है कि आपको ज़्यादा पढ़ाई करने से, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से, खुद को रगड़ने घिसने से ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं होगा। इस टाइम में बस आपको अपना कामनेस बनाए रखना है, अपने को कूल रखना है, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को ठीक से रीड करना है, बस यही करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बस उलट पुलट वीडियो से दूर रहिए कि भाई ये होगा, ये करना है, वो करना है, जी एडवांस ऐसा आएगा, ऐसा पेपर बनेंगे, दूसरी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। टेक्निकालिटीज़ के लिए 10-15 दिन नहीं है, खुद को शांत रखने के लिए है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हरे कृष्णा।